अमृतसर में जितनी गर्मी पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है कि नहीं? और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है। मैं देखा था क्या कि 9 डिग्री 5 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर। इलायची पी भी रहा हूँ, चबा भी रहा हूँ। इलायची ओवरवेलम कर गई होगी चाय। तो आप लोग जो नाश्ता कर रहे हैं इसके बाद घर जाके भी नाश्ता करेंगे कि यही हो गया? ये तो स्टार्टर है, स्टार्टर है। नाश्ता तो घर जाके होगा, कचौड़ी ऑमलेट चाय मॉर्निंग में। कितने बजे निकलते हैं आप लोग वॉक के लिए? वॉक के लिए मैं जाता हूँ 8 बजे कंपनी का, 9 सवा 9 इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वेडनेसडे और संडे मेरा पक्का, वेडनेसडे ज्ञानी पे जाए और संडे को ये सारे वेले ने और आप में से सबसे बड़ा वेला मैं हूँ। घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो कितने साल से आप लोग साथ में वॉक पे जाते आ रहे हैं? 3 साल हुए। बेसिकली लॉकडाउन में हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, मेरे को लगता है ये वॉक की ऐसी खास बात है कि वॉक से एक आपकी अच्छी कम्युनिटी बिल्डिंग भी हो जाती है। सब लोग साथ में मिलते हैं, सब अलग अलग प्रोफेशन हैं, सब तो एक जैसे जुड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान से आई है? ये पाकिस्तान की खलीफा की है, लाहौर। नैपकिन कहाँ दे? यानी क्या बात है, पूरे लाहौर में एक ही बेकरी है, उसने कोई सेकंड ब्रांच नहीं खोली आजकल। एक ही बेकरी है खलीफा की। आजकल इसका रेट है मेरे ख्याल 800 रुपए किलो है पाकिस्तानी। ये देखो बहुत सस्ता। अरे वाह क्या बात है। अंदर में फ्राइड बादाम स्टफ्ड है, मैदा गूंथते हैं और सूजी भी इसमें डली होती है। इनका केक रस आता है वो इससे भी स्वाद होता है, केक रस इससे भी ज़्यादा स्वाद होता है। चलिए लाहौर जाना तो नहीं हुआ लेकिन लाहौरी जायका अपने सर में मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू आप सबका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ये जो डो बना हुआ है स्वीट बन का, इसमें क्या क्या है? मैदा है, मैदा है और रिफाइंड है और चीनी है, उससे तैयार किया जाता है और ईस्ट देते हैं इसको मसाला पुराने, ताकि थोड़ा फूल जाए, फूल जाए पुरानी टेक्निक से। अब तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक ओवन आ गया है लेकिन यहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से पाव को स्वीट बन को बनाया जाता है। तो पूरे दिन बनता रहता है कि सुबह सुबह बनाते हैं सर? नहीं, 2 बजे तक। 2 बजे तक, 3 बजे तक 2 बजे तक। तो पहले पाव बनता है, उसका फैन बनता है, पहले ही बनते हैं, फिर फैन बनेगा, फिर बिस्कुट बास्कुट, क्रीम रोल। मतलब क्रीम रोल खाया तो बहुत है अपने स्कूल डेज से लेकर आज तक, लेकिन कहीं बनते हुए नहीं देखा था। तो ये है एक कोन है, उसके ऊपर मैदे की परत, जो मैदा है उसके में नमक है, रिफाइंड है, और उसके बाद इस कोन पे उसको लपेट दिया गया, उसके बाद इसको सेकेंगे और सेकने के बाद इसमें क्रीम की फिलिंग करेंगे। तो 5 मिनट में तैयार हो गए। ये वाह क्या खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म बन, या फिर यहाँ के स्थानीय भाषा में बोले तो बंद, बट इसको जो गर्म गर्म खाने का मज़ा है, उसके बीच में मक्खन लगाया, उसके बाद एक कड़क चाय मिल जाए तो ये हेवन है।
इससे फ्रेश क्या हो सकता है? क्या हो सकता है फ्रेश? कोयले की भट्टी में सिका हुआ बन, स्वीट बन, इसके ऊपर में चेरी और चीनी है, और इसके अंदर में जैम, मिक्स फ्रूट जैम, और साथ में पास्चराइज्ड मक्खन, सॉल्टेड बटर, अंदर में उस मक्खन के छोटे छोटे स्लाइसेस बना के डाले गए, और जो कि बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। आप बीच वाला लीजिए जी, जो मज़ा है वो बीच वाले में ही है। वाह, अभी तक गर्म। ये अंदर से सॉफ्ट और गुई है, और जो चीनी है उसका अच्छा क्रंचीनेस है, और बन का भी स्वीटनेस है, और जो फ्रूट जैम है उसका भी स्वीटनेस है, और बटर का हल्का सा वो नमकीनपन जो है, सॉल्टेड टेस्ट, और कोयले पे जो बनाया गया है उसका सौंधापन भी बहुत शानदार। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। है तुसी सतपुरा फ्राई कर दे पे हो? हाँ जी। इसके अंदर में आलू की स्टफिंग है? आलू। कितनी देर तुसी फ्राई करोगे? बस ये घी तो है। किन्ने साल हो गए तुहाडे काम करते हुए? मैंनू 50 साल हो गए, काम करदे 50 साल। मैं बहुत पुराना छोटा रहने लगा। तो आपकी तो पूरी दुनिया इस किचन में ही गुजरी है? हाँ जी, हाँ जी। हैं? बहु मेहनत वाला काम सी। हाँ जी भाई। हैं? गर्मी हो, सर्दी हो, 365 दिन किचन में। तैयार हो गया? चलो जी, सतपुरा तैयार। हाँ कड़ो। तो ये बना रहे हैं कतलंबे? हाँ जी। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? लून होता है, मैदा होता है, नशंदर होता है, जवैन होती है, और घी लगा होता है। और इसको तल देंगे घी में? हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये है मेहर दी हट्टी का प्रसिद्ध पेशौरी कतलंबा, साथ में गुड़ का हलवा, चने, लौंजी, गाजर, शलजम का अचार, प्याज, चॉकलेट बर्फी, सतपुरा, और साथ में वही सेम चीज़ें और अलग से चटनी है, मीठी चटनी। तो ये ना तो पूड़ी है, ना ये भटूरा है, ये कतलंबा है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स कही है उसमें अजवाइन है, नमक है, नशादर है, और एक घी का थिक पेस्ट होता है वो है, और मैदे में मिला के इसको बनाया गया है, घी में तला गया है, थोड़ा एक कड़क होता है, फ्लेकी होता है, इसमें अलग अलग परतें होती हैं, और इसे हलवे के साथ खाते हैं और चने के साथ भी खाया जाता है। डिश ये पेशौरी है, मतलब पेशावर की है, और वहाँ काफ़ी इसे चाव से लोग खाते हैं जी। ये देखो अलग अलग इसमें कितनी सारी परत है। जो टेक्सचर वाइज है ये कड़क है और काफ़ी खस्ता है, कुरकुरा है, करारा, और फुल ऑन घी के साथ हेवी भी। और जो नौशादर की बात कर रहे हैं, नौशादर जो होता है वो एक तरह से फूड एडिटिव है, और वो ईस्ट की तरह काम करता है, और उसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है उसे, और काफ़ी ज़्यादा फूड में इसको
ملا کے کچھ بھی بنانا ہو جو چیزیں فلانی ہو اس میں استعمال کرتے ہیں. اور جو ساٹھا وہ بتا رہے تھے, ساٹھا جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ گھی ہے, اور گھی کو جما دیتے ہیں مطلب پھینٹتے ہیں اس کو. تو یہ تو رہا ہمارا کتلمبے, اور ایک لاسٹ کمبینیشن اس کو کھاتے ہیں لونجی کے ساتھ. کھٹی میٹھی لونجی, خاصیت ہے امرتسر کی, جیسے ہم نے کل پوری میں بھی کھائی کھانا پر. چلیے اب نیکسٹ ستپورا کھاتے ہیں. جی بالکل. تو جو ستپورا ہم نے پہلے کھایا تھا وہ ارد دال کی اسٹفنگ کا تھا. ہاں جی, یہ آلو والا ہے. اگر آپ گننے بیٹھیں گے اس کی سات سے زیادہ لیئرس ہیں. کئی لوگ تو بہت زیادہ لیئرس میں بھی بناتے ہیں, اور دکھنے میں پیٹیز جیسا سامان جو اندر ڈالا گیا ہے وہ سموسے جیسا, اور پھر اس کا اپنا ایک سواد رہتا ہے. یہ اندر میں آلو کی اسٹفنگ, اندر میں ثابت مسالے ہیں. جی, ثابت دھنیا, جیرا, مٹر ہے, اور اس کو پورا گھی میں نہلایا گیا ہے. جی بالکل, یہ تیرتے ہوئے نکلا ہے گھی میں سے. اچھا, اس کی بڑی خوبصورتی ہے جب اس کو ڈالا جاتا ہے, گھی میں ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے, جیسے فلاور پھولتا ہے نا جب اس کو چھوڑ دیں, یہ پھولتا ہے گلاب کے پھول کے جیسے, ایسے کھلے گا. بڑی خوبصورت یہ آئٹم ہے ہمارے امرتسر کی. چٹنی سے کھائیں آپ, ویسے بھی ایک بار ٹیسٹ کیجیے. یہ واقعی لذیذ ہے. یہ لذیذ ہے, واہ, مطلب بائٹ لیتے ہی ایسے ہی جا کے منہ میں بکھرا ہے. جی, اور اتنا کرنچی ہے. ہاں, آلو کے مسالے بالکل لائٹ. جی, اور لاسٹ میں کیا مطلب پورا منہ جو ہے وہ گھی سے بھر گیا ہے. گھی سے بھر گیا ہے, لبا لب. جی, چاکلیٹ برفی اس کو بولا جاتا ہے, شاید جو رنگ ہوتا ہے اس کا چاکلیٹ جیسا لگتا ہے, لیکن یہ سیم ڈیری پروڈکٹ دودھ سے کھوئے سے بنتی ہے. آپ پیس لیجیے. سیم مٹھائی, آپ جائیں ہم پہاڑوں پہ, اس کو بولتے ہیں چاکلیٹ. اس کے اوپر لگا دیں گے وہ جو گولیاں ہوتی ہیں, جس کو میں بولتا ہوں ہومیوپیتھک کی گولیاں, وہ بن جاتا ہے بال مٹھائی. اور یہی اس کا مزہ ہے کہ منہ میں ڈال کے آپ اس کو چباتے رہیں, دھیرے دھیرے کھلتا جاتا ہے, اپنی مٹھاس چھوڑتا جاتا ہے, ساتھ میں گھی بھی ہوتا ہے, مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے. انوبھو سر, یہ کھجور بن رہا ہے. کھجور دیکھیے, ایک تو فروٹ ہوتا ہے اور ایک یہ مٹھائی کے طور پہ بھی امرتسر کی یہ خاصیت ہے. کھجور یہاں پر دو سے تین مہینے ملتی ہے لوڑی تک, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپ فرائز کو کیا جاتا ہے, میدا رہتا ہے, اور سانچے میں یہ تیار کیا جاتا ہے. اور بڑی پسندیدہ ایک فوڈ آئٹم ہے اگر میں امرتسر کی مٹھائیوں کی بات کروں. یہ کہہ رہے تھے سر کہ لوری کے سمے چلتا ہے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد میں بازار کے کام کرتا ہوں, ٹھنڈا سودا لانا, کلفی ہوتی ہے نا وہ. جی جی جی, وہ لاتے ہیں لچھے روٹی. گرمیوں میں کلفی اور سردیوں میں کھجور. اور کب سے آپ کا کام؟ ہاں جی, کتنے سال ہو گئے کب سے آپ کا کام؟ ہو گئے کوئی 25 سال. لیکن یہ بھی دیکھیے, مطلب ایسی کیا چیز ہے جو کہ ڈیپ فرائڈ نہ ہو امرتسر میں؟ ایسی کیا چیز ہے جس میں گھی نہ ہو, مکھن نہ ہو, کریم نہ ہو, ملائی نہ ہو, دودھ نہ ہو, ڈیری فری کوئی بھی ڈش امرتسر میں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے. ہے کوئی ڈیری فری چیز؟ جوس کی دکان ہے. مزہ آتا ہے مطلب ایسے تنگ گلیوں میں گھومنے کا. ایسے مطلب یہ جو پرانا امرتسر ہے, یہاں زیادہ پریم ہے لوگوں میں آپس میں. اتنا گھی کھا لیا نا کہ سست ہو گیا شریر, اب تو بس لگ رہا ہے کہ کہیں پہ ایک لسی پی کے. وہ جو کون سی جگہ بتا رہے تھے جہاں پہ 100 لوگ سوتے ہیں, کیا نام ہے اس کا؟ وہ ہے جی ٹیلی فون ایکسچینج کے پاس ایک بہت بڑا منجا ہے جی. منجا بیڈ ہے. اچھا, آپ نے کوئن سائز بیڈ دیکھا ہوگا, کنگ سائز بیڈ دیکھا ہوگا, لیکن آپ پنجاب میں ہیں تو آپ کو پنجاب سائز بیڈ دیکھا. یہ ہے کھجور. ابھی تک یہ دیکھیے جی, جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ اور خستہ ہوتا جائے گا. ابھی کیونکہ بالکل فریش ہے تو تھوڑا سا آپ کو لگے گا ملائم ہے. آپ نے اتنا گھی ہے منہ میں جا کے تم, میرا پورا جو
अंदर में जीभ जो टेस्ट पर्स है, लेयर परत जम गई है उसके ऊपर में घी की, खरोचना पड़ेगा उसको, घी और मक्खन निकालना पड़ेगा उसमें से। और लोहड़ी का ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला मैं बोल सकता हूँ अमृतसर, लोग गिफ्ट के रूप में भी देते हैं, किसी को लोहड़ी हमने देनी है, किसी की बेटी के अगर बच्चा हुआ है तो जो निहाल लेके जाएंगे उसके लिए मोफली रेवड़ियाँ, और ये भी देंगे लड़के वालों को, तो एक कल्चर, कल्चर है। अच्छा जी स्वरूप जी धन्यवाद। हेलो जी, ये मेरे भाई है जी, दिल्ली, ये फुफड़ जी है जी, परिवार है जी, दिल्ली हमारा भाई, दिल्ली वाकई फूड वाले ना। हाँ जी, हाँ जी, ये तो हमारी शान है जी, इंडिया की शान है जी। ठीक है, अनुभव सर अभी हम हैं पटेल चौक, इस जगह को बोला जाता है अंदरून अमृतसर में, गुरु बाजार के बिल्कुल पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपी भटूरे वाला, छोटी सी कार्ट लगती है, इनके फादर साहब भी यहाँ पर होते हैं। अमूनन क्या है कि जो भटूरा रहता है ना वो डीप फ्राई करके दिया जाता है, आपके सामने लाइव बनता है, लेकिन यहाँ पर अमृतसर में दो चार ऐसी दुकानें जहाँ पर आपको ऐसा भटूरा मिलेगा जो ये घर से बनाते हैं, खमीर से तैयार किया जाता है और यहाँ पर तवे पर सेक कर दिया जाता है। और इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन रहती हैं, एक जैसा कुलचा होता है ना जिसमें आलू की स्टफिंग रहती है, इस भटूरे में आलू की स्टफिंग वाला भी रहता है और एक नॉर्मल रहता है। तो इसको तवा भटूरा कह सकते हैं आप? बिल्कुल तवा भटूरा इसको बोल सकते हैं। दो दिन हुए हैं अमृतसर में जी, और कितनी वैरायटीज के छोले हमने खा लिए। एक छोला वो था जो अमृतसरी कुलचे के साथ खाया, जो थोड़ा घुटा हुआ था, हल्के मसाले वाला था। एक छोला हमने खाया जो काना पूड़ी के साथ था, या फिर अभी उसके साथ खाया हमने सतपुरे के साथ और कतलम्बे के साथ जी। एक छोला वो था जो कि केसर ढावा में खाया, लाल वाला तरी वाला। हाँ। एक छोला ये है जी। तो छोले के भी कितने वर्जन है, कितने तरह से छोले यहाँ बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली, काबिले तारीफ है। एग्जैक्टली, और अमृतसर अगर मैं नॉर्मल घरों की भी बात करूँ तो हफ्ते में एक आध बार हमारे छोले बन ही जाते हैं, काफ़ी लाइक करते हैं अमृतसर की बात। अमृतसर क्या बोला, मतलब पंजाबी, पूरे पंजाब पंजाबी कौम जो है वो छोले के प्रति थोड़ा उनका रुझान रहता है, लगाव रहता है। जैसे छोले हो गए, राजमा हो गया, कड़ी हो गई, दाल हो गई, ये तो फिक्स बनाना, काले चने हो गए, दिन बटे हुए उससे, संडे को राजमा बनेगा, बृहस्पतिवार को कड़ी बनेगी, शनिवार को काले चने बनेंगे, दिन बटे हुए। कोई भी शादी है उसमें छोले जरूर होते ही होते हैं पंजाब की। अगर मैं बात करूँ आपके घर मेहमान आते हैं तो एक मटर पनीर जरूर बनता है, छोले भी बनते हैं। हाँ, छोले का रंग तो एकदम डार्क ब्राउन है, कैसे आता है रंग? इसको आमला लगाया होता है। आमला, आमला सूखे आमले लगाते हैं, अनारदाना भी डालते हैं, अनारदाना हो गया, गरम पनीर। हाँ, और पनीर किस में डालते हैं? पनीर चनों में काट कर। अच्छा, वो ऑप्शनल रहता है। फ्राइड पनीर वो ऑप्शनल रहता है, तो ये ऑप्शनल हम लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, हमें पनीर वाला खिलाइएगा। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है खालस देसी घी, तो देसी घी किस में इस्तेमाल करते हैं? ये भटूरों में, घी के भटूरे हैं, देसी घी के भटूरे हैं, इसको तड़का भी देसी घी का लगाया। एक बार बताऊँ, आपकी जो ये कार्ट है वो बहुत साफ़ सफाई से रखी हुई है आपने? हमारा काम छोटे साफ सफाई से। इसको देख के ना हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम यहाँ पे खाएं, ये अच्छी बात है। तो हमारे लिए लगाइए, दोनों तरह के भटूरे लगा दीजिए और छोले और पनीर जरूर काट दीजिएगा। लेकिन ये देखने में ऐसा कुलचा लग रहा है जी है? और ये आलू वाला है, ये आलू वाला है। वाह वाह, खमीर से रेडी किया जाता है, जाली वाला। हाँ, जाली दिख रही है। इसका टेक्सचर बिल्कुल जो दिल्ली वाला कुलचा होता है उससे मिलता जुलता है, वही है, बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई सही सही टेस्ट है। हाँ, और हल्का है। हाँ, और छोले भी हल्के मसालों के साथ है, इसमें आंवला और अनारदाना दोनों ही है, इसमें आलू रहेंगे, बाकी मसाले रहेंगे, अनारदाना भी है इसमें जी। ये जो स्टफिंग है वो तो आपके जो अमृतसरी कुलचे वाली है, वही है, वही है। अमृतसर जाना जाता है अपने अमृतसरी कुलचे के लिए, ये मेन अट्रैक्शन है।
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये दिल्ली में या ऐसा नहीं मिलता है? नहीं मिलता दिल्ली में, क्या मैंने कहीं नहीं खाया है, कहीं नहीं खाया है। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत मस्त है। मज़ा आ गया था जी। बस क्या आपको अमृतसर में वेजिटेरियन डिशेज में मेनली जो सबसे पसंदीदा मुझे लगी वो ये है। हाँ बहुत बहुत सही है। मतलब अगर मैं यहाँ रहता तो हफ्ते में दो तीन चक्कर यहाँ लगाता जरूर। ये फ्राइड पनीर के पीसेस हैं। ये जो शब्द मैं अब कहने वाला हूँ वो मैं बहुत ही कंजूसी से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस डिश के लिए कहना चाहूँगा ये बहुत ही उम्दा जायका है। अच्छा शंकर जी, थैंक यू। मैं जो ऊपर मलाई की छाली है ना वो खानी है। हाँ मलाई की छाली खिलानी है, मलाई और थोड़ी शक्कर डाल दीजिए उसमें जी। ये एक्स्ट्रा प्यार, ये एक्स्ट्रा प्यार है अमृतसर वालों का। लो जी लीजिए। असल जायका ये है जी, जो हम कहते हैं ना खालिस दूध, ये खालिस मलाई है। और दूध के बारे में बता दूं, जो इनके दूधी पंजाबी में हम बोलते हैं, जो दूध यहाँ पर देते हैं, सालों के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं, गांव से लाते हैं, अमृतसर के जो आसपास के गांव हैं, बड़े बड़े कैन में इनके यहाँ सुपर दूध आता है, तो क्वालिटी के लिए दुकान जानी जाती है। मतलब जब आप मलाई खा रहे हो ना, जब ये घुल रहा है तो जो घी वाला टेस्ट होता है वही वो आ रहा है वही है। हाँ और लाल रंग की मलाई की छाली है ये टेस्ट करो आप, लगे ऐसे घी आया मुंह में बिल्कुल। हाँ आपके फोटो पे ऐसा फील करेंगे आप। ये हमारा ना मॉइस्चराइजर है, लिप बाम है, सबसे बढ़िया देसी लिप बाम। मज़ा आया। कंजूसी ना करते हुए एक बार फिर कैमरे पर बोल देना चाहिए सर, बहुत ही उम्दा जायका। चलिए सर कढ़ाई ले चलें। अच्छा जी अगर बैग में आती तो जरूर ले जाते। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अनुभव सर अभी हम अमृतसर की सबसे फेमस और पुरानी दुकान जलेबी वाली दुकान पर हैं। ये दुकान इतनी फेमस है कि इस मोहल्ले को, इस जगह को, इस चौक को बोला जाता है जलेबी वाला चौक। टेप देखें, चाशनी कैसे ड्रिप कर रही है इसमें से। वाह, जलेबी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हल्की सी खटास आनी चाहिए जी, क्योंकि जो खमीर उठाते हैं उस कारण से वो इसमें है। जलेबी का टेक्सचर बिल्कुल कुरकुरा है और घी में बनाई गई है, उसकी खुशबू भी है और जायका भी है और फुल ऑन चाशनी में डूबी हुई है। क्या कारण है कि कोई चुलचे को भिगो के खाते हैं, ऐसे अलग भी खाते हैं? इसका अपना टेस्ट होता है, जब इसको हम चने में डालते हैं ना, इसका जो मसाला होता है इसके साथ पूरा जैसे रम जाता है, रम जाता है। अगर आप उससे पूछें तो सही मायने में ये लोग जो तंदूर पे काम कर रहे हैं ये कलिनरी आर्टिस्ट है। हम लोग तो सिर्फ रेस्टोरेंट में आके वाह वाह करके चले जाते हैं, लेकिन पीछे की जो मेहनत है वो आपको किचन में आके देखने को मिलेगी। नाउ इट्स टाइम टू बर्न सम कैलोरीज। इतना कुछ हमने अमृतसर में खाया है, मक्खन, घी,
दही दूध। अब समय है कि कैलोरीज को बर्न किया जाए।